हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के दरघाटी, एक छोटे से गांव रैलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग में जंगल से कर रही हूँ और चट्टानों पर घास के लिए आ रखे हैं 2-3 किलोमीटर और बहुत पसीना भी आ गई है आते आते। और मोनिका तो यहीं पर काट रही है और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूँ मैं आज। और केदार घाटी का मौसम अच्छा है, सुहावना है, अच्छी धूप भी खिली हुई है और काले बादल भी लगे हुए हैं पहाड़ियों के ऊपर। और हमारे गांव में अभी तक धूप नहीं आई और मंदाकिनी के नदी के ऊपर आ रही है धूप। अभी तो 9 बजे आती है हमारे गांव में धूप। और यहां बहुत घना जंगल है, काली उतीस के पेड़ है और यहाँ पूरा ऐसा घास हो रखा है। और मोनिका यहाँ पर काट रही है घास, 2-4 पूरी तो काट दी है। केदारनाथ का हेली तो चल ही रहे हैं केदारनाथ के चक्कर मारने पर। और आजकल आसमान साफ है और यात्रा सीजन भी अच्छी तरह चल रही है। बहुत से हेल पे हेल है केदार घाटी में आजकल, तो आजकल तो पितृपक्ष चल रहे हैं और हेली भी तो सुबह से 5 बजे से लगातार लगे हुए हैं। सोना खाना हो रखा हमको केदार घाटी में आराम, और सुबह से कान फूट गई हमारे 5 बजे से। और यहाँ का ये घास है तो आज हम इसको काट के यहीं रखेंगे और धूप पर सुखाएंगे। और ठंडी की व्यवस्था हो रही है गाय भैंसों के लिए, क्योंकि केदार घाटी में बर्फ़ पड़ता तो तब जंगल नहीं जाते हैं, ये घास सुखा के रखते हैं। तो गाय भैंसों को जब बर्फ़ लगता है तो यही घास हम गाय भैंसों को देते हैं। घर के लिए ऐसी पूली बना रखी है, एक ये बना रखी और एक ये बना रखी। और ऐसे चट्टानों पर जाना पड़ता घास के लिए, ऐसे बड़े बड़े चट्टान रहते पहाड़ों में तो ऐसे घास काट के डालते हैं यही चट्टानों पर से। दुनिया भर का कबाड़ है, घास कम है, दुनिया भर का कबाड़ है यहाँ पे। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है मम्मी के यूट्यूब चैनल में। और अभी हम आ रहे हैं जंगल घास के लिए। बाकी आज मेरी मम्मी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रखा है क्योंकि आप लोगों ने ऐसी नेगेटिव कमेंट कर रखी थी मेरी मामी और मेरी जेठी माँ के लिए। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसी नेगेटिव कमेंट मत करो। और आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ मैं कि आप लोग वीडियो देखना है तो देखो, ना तो ऐसे कमेंट मत करो, ठीक है? और कि हम ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो के, ऐसे हमारी वीडियो मत देखो, बस अपना काम करो, लम्बा चौड़ा कमेंट मत करो। हम ये बोल रहे हैं और हम तुम्हारे लिए नहीं बना रहे हैं वीडियो। जिसको पसंद आएगी वो देखना, जिनको पसंद नहीं आ रही है वो मत देखो, ठीक है? और अनसब्सक्राइबर बोला था, अनसब्सक्राइबर कर दिया मैंने। तो करो, इतनी दुनिया पढ़ रखी है, लंबी चौड़ी दुनिया, इतने करोड़ इंसान पढ़ रखे इन दुनिया में, ठीक है? ये ऐसे बुरे बुरे कमेंट मत करो हमारी फैमिली के लिए। चाहे कहीं भी हो वो, हम अपने में अपने दम पर कमाते हैं, खाते हैं, किसी के वो नहीं है कि किसी के पीछे रहते हैं। हम अपनी खेती बाड़ी करते हैं, गाय भैंस को पालते हैं, अपने दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और अपने थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बनाते हैं, ठीक है? ऐसे कमेंट मत करो हमारे लिए। चाहे हमारे भाई की बीवी हो, चाहे भाई हो, चाहे मेरी दीदी हो, सब हम फैमिली अच्छे हैं। हम सब अपने अपने पैरों पर, किसी की चोरी नहीं करते हैं, ठीक है? ना तो हम किसी के दरवाजे पर खड़े और सब मदद करते हैं। मामा मामी लोग, मामा मामी लोगों के लिए भी ऐसा कमेंट मत किया करो कि प्रियंका जी अमीर है, वो आप लोगों की मदद नहीं करते हैं। तो मदद कौन नहीं करता है, वैसे मामी ने बहुत मदद की है। और ऐसी चोरी चारी करके कोई बड़ा नहीं होता, जो करता अपनी मेहनत पर करते हैं तब होते बड़ा, चोरी करके कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक है? वैसे कमेंट फालतू कमेंट मत करो, हमारे को इतना टाइम नहीं हम कि तुम्हारे कमेंट पढ़े। तुम इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े कमेंट ये भेज रहे हैं कि समय मिल रहा है तुमको इतने बड़े कमेंट लिखने का टाइम? ये है हमारा जहाँ है, फैमिली बहुत अच्छी है, चाहे भाई हो, चाहे भाई की बीवी हो, चाहे दीदी, हम अच्छी फैमिली हमारी जगह जगह हर जगह है। चाहे कोई ससुराल में कोई, हमको मिलने का भी टाइम नहीं लगता है, अपने घर पर हम व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में, अपने बच्चों में। हम वो नहीं है कि तुम्हारे कमेंट और मामा मामी लोग भी बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि मामा को कभी देहरा मामा मामी लोगों को कभी देहरादून जाना होता है और कभी प्रधान का काम होता है। तो आप लोग बोल रहे थे कि मतलब आपके मामा मामी आपसे मिलने नहीं आते हैं,
तो हम तो कोई मतलब नहीं है, हम कोई ऐसा नहीं है कि मिलने मुलने कोई मतलब, जहाँ रहो सुरक्षित रहो बस हमारे तो यहाँ। ऐसे कमेंट मत किया करो कि आपके मामा मामी आपकी मदद नहीं करते हैं, अमीर हैं, ये हैं, सो हैं, मत किया करो। आज का जमाने में आज का कल का पता नहीं चला, कब इंसान खा रहा कब मर रहा है कोई पता भी नहीं चल रहा। रात को वो खा रहा, सुबह को सुनने में आ रहा है कि ये मर गया, कोई पता नहीं दिन दुनिया का बीमारी ऐसी लग रहा है। ऐसे फालतू कमेंट मत किया करो, ठीक है। जिसको वीडियो देखना है तो देखो, अन्यथा फालतू कमेंट मत करो हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए। और वो भी मेहनत कर रहे हैं, अपने पहाड़ी स्टाइल दिखा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पहाड़ों में, अपनी खेती बाड़ी दिखा रहे हैं, अपने पहाड़ों में जो भी काम होता है वो दिखा रहे हैं कि ऐसे पहाड़ों में ऐसे काम करते हैं, ऐसे मेहनत करके खाते हैं, ऐसे फालतू रह के नहीं खाते हैं। और जो भी खेती में भी मेहनत करते हैं खाते हैं, ऐसे फालतू फालतू कमेंट करने का टाइम काम धंधा नहीं है उसका। जो वो ऐसा फालतू कमेंट करता है हमारे लिए, चाहे हमारे भाई की बीवी हो, चाहे भाई उनके लिए हो, चाहे हमारी फैमिली, हमारी फैमिली बहुत बिजी रहती है, हमारे हर जगह कारोबार है, चाहे तिरजुगिनार में, सोनप्याग में, ये देहरादून में, हर जगह कारोबार है, सब व्यस्त रहते हैं। मेरे लिए एक दिन का टाइम भी नहीं मिलता मैं के जाने के लिए, इतनी बिजी रहती। मेरे घर बच्चे स्कूल के हैं, कोई कॉलेज पढ़ते, कोई स्कूल रहते हैं, और हमारे लिए एक दिन के भी अपने मैं के जाने का भी टाइम नहीं है। और वो ऐसे कमेंट कर रहा है जैसे उनका उसका घर नहीं होगा या बीवी नहीं होगी, बच्चे नहीं हो, खाली लोगों पर निगेटिव कमेंट कर रहा है। वो कुछ नहीं है उसका, वो काम धंधा उसका, वो नौकरी चाकरी नहीं करता, वो भी बना वीडियो जो लोगों के लिए ऐसा कमेंट कर रहा है। वो 2-3 किलोमीटर दूर आ रखे हम अपने घर से घास के लिए, तो अभी हमने घास काट दिया गाय भैंसों के लिए, हरा घास काट दिया और सूखा घास के हम पूली बना रहे हैं यहाँ से। तो अब जाएंगे घर, घर में भी हमारी गाय भैंस भी बाहर हैं, बच्चे हैं, अभी खाना बनाना है, हमको इतना टाइम नहीं है। फिर भी हम अपने पहाड़ों की जो भी है दिखा रहे हैं कि ये ऐसे काम करते पहाड़ी लोग, पहाड़ों में ऐसा काम किया जाता है तब खाते हैं लोग, अपनी मेहनत करके खाते हैं, ऐसे फालतू बैठ बैठ के नहीं खाते हैं, ऐसे फालतू फालतू कमेंट फालतू फालतू बातें नहीं बोलते हैं लोगों के लिए। पहले अपने परिवार देखो, लोगों के बारे में ऐसे फालतू कमेंट मत करो, पहले अपना घर देखो कि हमारे घर में क्या है कैसा है। हमारा घर जो है अच्छा है, कोई इंसान है तो वो तो देख भी रहे, लोगों के लिए जो बुरा सोचता ना उसका तो बुरा हाल यही होते, बोलते ना ऊपर देखते हैं इंसान नहीं दिखता है, यही दिखते हैं सब कुछ, नर्क भी यही है, स्वर्ग भी यही है। फालतू कमेंट मत करो, ठीक है, ऐसा मत बोलो लोगों के लिए फालतू फालतू। और मेहनत करो और मेहनत पर खाओ, किसी पर अंगुली मत उठाओ, ठीक है। ऐसे तो तुम्हारी भी बहन होगी, माँ होगी, बेटी होगी, सब कुछ होगा तुम्हारा भी, ऐसे फालतू कमेंट मत करो। घर में भी वो ही कर आगा उसका कुछ नहीं होगा, वो ही फालतू फालतू कमेंट, उसका ना घर होगा ना बड़ होगा, वो पता नहीं क्या है क्या होगा, वो लोगों के लिए ऐसे कमेंट कर रहा वो।